YouTube हमारे चैनल को कब बूस्ट करता है? कोई भी चैनल आपने बनाया, जैसे कि मैंने इसरार अर्निंग YouTube चैनल बनाया था, इस पे 70 वीडियो डाली, 272,000 सब्सक्राइबर, कभी ना कभी तो बूस्ट हुआ होगा। एक हमारा चैनल है टेक्निकल इसरार, जिस पे देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर है, 3,86,000, ठीक है, यानी कि 4.25 लाख के आसपास हो गए, उससे ज्यादा ही हो गए हैं। तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल बूस्ट हुआ होगा। इसका मतलब है मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल कब बूस्ट होने वाला है, कब आपको भापना है, कब आपको पता लग जाएगा भाई अब आपका यूट्यूब चैनल बूस्ट होने वाला है। पर कुछ लोग उस चीज को भाप नहीं पाते, उस एल्गोरिदम के बदलाव को भाप नहीं पाते। उसका मतलब है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं और उनका यूट्यूब चैनल हो जाता है डेड। और आज तक मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई और काफी सारे यूट्यूब चैनल पे काम किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों जो एक साल पहले था वो अब नहीं है। मैंने यूट्यूब की लाइफ में कुछ क्रिएटर ऐसे देखे हैं जो पहले अच्छा काम कर रहे थे, उनका यूट्यूब चैनल बार बार नीचे जाता रहा, फिर उनका YouTube चैनल एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि उनका काम करने का मन नहीं किया, बल्कि वो अच्छे क्रिएटर थे। ऐसे मेरे साथ भी कई तरह के क्रिएटर थे, बट वो आज YouTube पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम के भाप नहीं पाए। तो आज हमारे पास एक ऐसा YouTube चैनल है जो कि बिल्कुल नया है, फ्रेश है। उस YouTube चैनल के बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पता करना होता है कि आपका YouTube चैनल कब बूस्ट होने वाला है, कब आपके YouTube चैनल पे व्यूज आने वाला है, कब आपके सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। पर उससे पहले एक जरा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो चैनल है इस टाइम, वो है एक हमारा चैनल है जिसका नाम टैक हो। इस यूट्यूब चैनल पे हमने काम करते करते एक महीना हो गया। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जरा देखिए कितने दिन हो गए यहाँ पे। 15 अगस्त को ये यूट्यूब चैनल हमने क्रिएट किया था, और भाई आज की जो डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा वो 14 सितंबर है। इसका मतलब है एक महीना कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल पे हम कैसे पता करेंगे कि YouTube चैनल कब बूस्ट होने वाला है, उसके लिए भाई मुझे चलना पड़ेगा एनालिटिक्स में लेके, और कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगा बाद में, बड़े ध्यान से समझना है। अब वैसे तो इस YouTube चैनल पे हमने जो वीडियो अपलोड करी है, एक भी वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं करी है, ठीक है। आजकल जो ना आपको पता होगा कि अगर आप होम टैब का इस्तेमाल करोगे तो होम दिखेगा, वीडियो का इस्तेमाल करोगे वीडियो दिखेगा, अगर कंपनी टैब का इस्तेमाल करोगे तो कंपनी टैब दिखेगा। तो हमने कंपनी टैब का इस्तेमाल किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में जाना, अगर आप देखने कोशिश करोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे जरा देखिए, ये वीडियो मैंने पहली बार, माय फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो में मैंने क्या बताया, इस वीडियो में यही बताया कि भाई इस यूट्यूब चैनल पे मैं पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैंने जो है टैक होप चैनल को मैंने बनाया है, और मैं इस पे गैजेट्स और फोन के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इस स्टूडियो के रिगार्डिंग, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो डालता गया, ये देखो ये वीडियो डाली, ये वीडियो डाली, ये वीडियो डाली, उसके बाद ये वीडियो डाली। अब कुछ वीडियो आपने देखा होगा कि ये वीडियो मेरी यहाँ पे देखे, 13 वीडियो मैंने डाल दी, यानी कि एक महीने में 13, हर एक दिन के बाद मैं यहाँ पे वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। अब ये यूट्यूब चैनल कैसे हमें पता करेंगे हम कि इस यूट्यूब चैनल पे जो व्यूज आएगा या मेरा बूस्ट होगा वो कब होगा, ये तो आप जान रहे हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक एनालिटिक्स है, यहाँ पे हम गए, एनालिटिक्स पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, जिससे कि कोई भी बात जो है संशय में न रहे, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से मैं आपको समझाऊं। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे कितना यहाँ पे सब्सक्राइबर है, ये देखो ये सब्सक्राइबर कितना, 215 सब्सक्राइबर है। ये चैनल नया है बिल्कुल, इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कितने में? लास्ट 28 डेज में, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया आपको। उसके बाद जरा देखिए यहाँ पे, ये वीडियो मैंने कब डाली थी, ये वीडियो मैंने 21 घंटे पहले डाली थी। क्या रोड का जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला, इसका मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया, इसमें मैंने बता भी दिया है कि रोड का माइक मैंने क्यों लिया, मेरे को क्या जरूरत थी, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और रोड का माइक ही मैंने क्यों चूज किया है, और उसका अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने सब यहाँ पे डाल रखा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये वीडियो इस टाइम तीसरे नंबर पे है, बट व्यूज कितने हैं, व्यूज है ओनली 47, यानी कि 47 भी लगा के अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये वीडियो तीसरे नंबर पे आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां से मैं हटा देता हूं या कंटेंट में जाता हूं, ये है कंटेंट, ठीक है। तो यहां पे कंटेंट में मैं क्लिक किया और यहां पे हमारे पास कई सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। देखो जरा ध्यान से देखना, ये वीडियो है, इस पे व्यूज भी देखना आप, ठीक है ना। ये देखो क्या व्यूज आ रहा है इस पे, अगर आप देखने की कोशिश करोगे फर्स्ट वीडियो पे 166 व्यूज है, दूसरी वीडियो पे 258 है, फिर 111 है, 114 है, 223 है, एक ये वीडियो है जो कि 648 है। इन वीडियो पे व्यूज आ रहा है। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि इसरार भाई ये व्यूज तो इस वजह से आ रहा है कि शायद आपने कहीं प्रमोट किया। जरा देखो ये वीडियो मैंने डाली थी 2-3 दिन पहले, सितंबर 9 को 360 व्यूज आया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो आपने प्रमोट की होगी, नहीं। ये देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं भाई क्लिक करूंगा इसी यूट्यूब, ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, ठीक है। मैंने क्लिक किया, जरा आप देखो यहाँ पे कितना व्यूज दिखा रहा है, 363 दिखा रहा है। आप
आपका दिमाग में जो डाउट था ना कि ये वीडियो कहीं प्रमोट की हो गई, नहीं प्रमोट नहीं की मेरे भाई, ये जरा देखो ब्राउज फीचर से गया है, यूट्यूब सर्च से गया है, चैनल पेज से कमी गया है और कहीं से कम गया, सिर्फ कहां से व्यूज आ रहा है, ब्राउज फीचर से व्यूज आ रहा है इसका, ठीक है। तो जरा देखियो आप, ये देखो भाई क्या है, ब्राउज फीचर 84% ब्राउज फीचर से आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा ये वीडियो बूस्ट अप की तरफ जा रहा है। कितने मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है जरा देखो आप, 215 सब्सक्राइबर है ना, 215 सब्सक्राइबर, पर क्या हुआ 215 सब्सक्राइबर के जो व्यूज है वो ज्यादा आ रहे हैं ना, ये जरा देखो कितने व्यूज आ रहे हैं, 363 है, इसका मतलब सब्सक्राइबर से ज्यादा मेरे व्यूज आ रहे हैं और ये व्यूज बिल्कुल ओरिजिनल है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि चैनल अब मेरा बूस्ट हो रहा है, यानी कि यूट्यूब अब मेरे यूट्यूब चैनल को बूस्ट कर रहा है। चलो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बैक पे जाता हूँ, बैक पे जाने के बाद में एक यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यह है रोड का, ठीक है, इस रोड पे माइक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ एनालिटिक्स पे, एनालिटिक्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 47 दिखा रहा है, तो मेरे सब्सक्राइबर कितने 215, यहाँ पे वॉच टाइम भी मेरे को मिल रहा है, और कहाँ से व्यूज आ रहा है जरा देखो मेरे भाई, ये देखो, जब आपका व्यूज ब्राउज फीचर से आना स्टार्ट हो जाए और सर्च से आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि अब आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब बूस्ट करने जा रहा है। अब 215 सब्सक्राइबर पे अगर मुझे 200-300 व्यूज मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप क्या सोचते हो, आपके अंदर एक माइंड रहता है कि मेरे चैनल पे तो 1000 व्यूज नहीं आ रहा, 2000 व्यूज नहीं आ रहा यार, 5000 व्यूज नहीं आ रहा, मेरे भाई आपका चैनल नया है, आपके यूट्यूब चैनल पे एकदम से व्यूज नहीं आएगा, आराम आराम से ही आएगा। इस यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको दिखाया है और बताया है, क्या बताया मैंने, यहाँ पे मैं जाता हूँ आपको और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, जरा देखिए ये वीडियो 47 व्यूज पे है बट फिर भी तीसरे नंबर पे है, दिल क्या है मेरा खुश है, मुझे पता है ना मेरी औकात क्या है, मुझे पता है 216 सब्सक्राइबर हो गए, देखो एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि बड़ा है या नहीं, ठीक है 215 थे यहाँ पे और 216 हो गए, ये जरा देखो 47 व्यूज है, और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करो कि व्यूज ड्यूरेशन भी जो है ना बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, और 24 घंटे में देखना ये 100 के बाहर हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, मेरा चैनल अब बूस्ट कर रहा है, कौन, यूट्यूब बूस्ट कर रहा है। आपको भी यही आइडिया लगाना है कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, आपको भी यही आइडिया लगाना है कि अगर आपके सब्सक्राइबर कम है और उसके व्यूज अच्छे रेशियो में आ रहे हैं, मान लिया 1000 अगर आपके सब्सक्राइबर है और आपकी वीडियो पे 200-300-400 व्यूज आ रहा है तो आपका यूट्यूब चैनल बूस्ट करने वाला है। अब मैं क्या करूंगा जरा आपको बताता हूँ, बूस्ट तो यूट्यूब कर रहा है बट अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं बूस्ट करवाना चाहता हूँ या नहीं, कैसे जरा देखो, इसने साफ साफ बताया कि इस तरह की वीडियो अगर मैं डाल रहा हूँ तो मेरी ये वीडियो ब्राउज फीचर में जा रही है, उसी तरह से अगर मैं कॉन्टेंट में जाता हूँ, ये वीडियो मैंने यहाँ पे डाली है ये वाली रियलमी बड्स की, इसका मतलब है जो इसका थंबनेल मैं बना रहा हूँ ये लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिच में ऑप्शंस में जाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हो 363 व्यूज है, यूनिक व्यू 282 है, इसका मतलब लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं इसी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, किसके रिगार्डिंग, बर्ड्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आजकल लोग बात क्या है ना, बर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ये देखो ऐसे कान पे लगाते हैं बर्ड्स। वैसे आपको बता दूं इसका जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया है, ये है बोट का, इसकी भी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं कुछ ही दिनों में, बोट का ये है ना नेक बैंड है, ठीक है, तो इसका मतलब ईयरफोन है ऐसे गर्दन वाली, तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो नहीं वो आगे वीडियो बताऊंगा, बट इसका ट्रेंड इस टाइम खत्म होता जा रहा है, पर ये है कि सस्ते में मिल जाती है, ठीक है ना, इस तरह से लोग बाग इस पे जा रहा है, तो इसी वजह से इस लोग बाग क्या है इसको चूज कर रहे हैं, बट ये हमें देखना पड़ेगा हमारे चैनल पे जो ज्यादा वीडियो चल रही है उसी के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम पॉपुलर पे जाएंगे, जरा देखियो कौन कौन सी वीडियो मेरी चल रही है, एक तो वीडियो मेरी ये चल रही है मेरे भाई बोया की, इसका मतलब अगर इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो चलेगी, उसके बाद दूसरी वीडियो नंबर पे यह है 360 व्यूज आ गए वो भी 4 दिन पहले ही, इसका मतलब क्या है कि मेरा यूट्यूब चैनल बूस्ट तो हो रहा है बट मुझे अब टॉपिक को बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा। मैं चाहता तो ये वीडियो टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता है जितने भी वीडियोस है, पर नहीं, मुझे एक ऐसा चैनल चाहिए जिसका नाम है टैक होप, ये टैक होप के नाम से चाहिए था, होप होप ही होप है, अगर आपकी लाइफ में होप है तो यहाँ पे लिखा है टैक फॉर, क्या लिखा है जरा देखो, टैक फॉर टूडे होप फॉर टुमारो, आज जैना टैक है और होप टुमारो है, तो इस तरह से मैंने इस चैनल का नाम रखा था। तो मैं जो काम कर रहा हूँ इस चैनल पे वो इसी वजह से कर रहा हूँ कि इस पे जो गैजेट्स के जो रिव्यू है मैं इस पे डालता रहूं, और मेरा यूट्यूब चैनल देखते ही देखते ये अब ग्रो होने लग जाएगा। ये यूट्यूब चैनल कहीं भी मैंने बूस्ट नहीं किया, टेक्निकल इसरार पे कहीं ज्यादा खास बूस्ट नहीं किया, अगर मैं चाहता तो इस यूट्यूब चैनल को कम्युनिटी टैब में शेयर करके कहीं भी शेयर करके तो 1000 सब्सक्राइबर तो एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता इस पे जो भी सब्सक्राइबर आए वो इसी कैटेगरीज के आए, ये मैं चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि जब आपका यूट्यूब चैनल जो है बूस्ट करने लग जाए, एक दो वीडियो वायरल होने लग जाए, उसी के रिगार्डिंग पॉपुलर वीडियो के रिगार्डिंग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे, तभी आपका यूट्यूब चैनल बूस्ट होगा। बूस्ट आपका यूट्यूब चैनल होता है बट उसका फायदा उठा के आपको और ग्रो कर लेना है अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आज पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आपका यूट्यूब चैनल बूस्ट होता है, कब होता है और फिर आपको
क्या करना पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना। और लास्ट में बोलना चाहूंगा, इसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे आपको कुछ नहीं जाएगा, मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।